मैं हूँ सूरज और आपका फिर से एक बार मेरे चैनल टेक्निकल सूरज में स्वागत है। आज हम बात करने वाले व्हाट्सएप से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। इसकी सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में डिटेल्स में दे दूंगा। आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाए। तो चलिए हम चलते अपनी पहली ट्रिक्स की तरफ। सबसे पहले हम व्हाट्सएप पर जाएंगे। व्हाट्सएप जैसे ही ऑन करेंगे हमें सिंपली चैट पर चलना है। जैसे हम चैट पर चलेंगे ऐसे ही सिंपली क्लिक करके ऐसे मैसेज को सिलेक्ट करेंगे। ये स्टार का ऑप्शन है, इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये ऐसे ये क्लिक हो जाएगा। और ये आप इम्पोर्टेंट मैसेज हो या कुछ टेक्स्ट हो या कुछ फ़ोटो वीडियोस हो आपको इसके थ्रू क्लिक कर देना है। और आप ये जब चाहे तब अपने व्हाट्सएप पे देख सकते हैं। मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिंपली ये 4th नंबर का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करते ही हमें वो सारे मैसेज इस तरह के मैसेज दिख जाएंगे। ये हमारी पहली ट्रिक है। सेकंड नंबर की ट्रिक है, हमें अपने व्हाट्सएप का डार्क थीम ऑन करना है। तो हमें सिंपली यहाँ पे 3 डॉट पे जाना है। सेटिंग पे जाएंगे, चैट के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे थीम दिखाई देगा। यहाँ पे लाइट है, यहाँ से हमें डार्क करके इनेबल कर देना है और ओके कर देना है। ये सिंपली हमारा थीम डार्क हो गया है। थर्ड नंबर की ट्रिक है, हम अपने व्हाट्सएप को बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की मदद से अपने व्हाट्सएप को लॉक कर सकते हैं। हमें सिंपली 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है और अकाउंट प्राइवेसी पे क्लिक करना है। यहाँ से हमें सिंपली प्राइवेसी पे क्लिक करना है और नीचे फिंगरप्रिंट लॉक दिख गया है। हम इसे इनेबल करते ही हम अपने व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक इनेबल कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। 4th नंबर की ट्रिक है, अगर आपको व्हाट्सएप का नंबर चेंज करना हो और आप सभी को फ्रेंड को नहीं बता सकते कि मैंने व्हाट्सएप का नंबर चेंज किया है, तो सिंपली आपको ये ट्रिक यूज़ करनी होगी। अकाउंट में चलते हैं और यहाँ पे चेंज नंबर पे क्लिक कर दे। यहाँ पे हमारा ओल्ड नंबर डाल देंगे और यहाँ पे न्यू नंबर डाल देंगे और जैसे हम नेक्स्ट कर देंगे हमारा नोटिफिकेशन हमारे फ्रेंड के तरफ और सब जो भी हमारे कांटेक्ट में ग्रुप है उनके तरफ हमारा नोटिफिकेशन चला जाए। 5th नंबर की ट्रिक है, आपके और आपके फ्रेंड्स के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुआ हो उसको आप PDF थ्रू अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। तो किस तरह ये PDF क्रिएट कर सकते हैं मैं आपको इस ट्रिक में बता दूंगा। यहाँ से हम मोर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक्सपोर्ट चैट पे हम जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से हम जिसे भी हम ये अपनी PDF थ्रू सेंड करना चाहते हैं उसे सेंड कर सकते हैं। इस तरह हम PDF थ्रू अपने फ्रेंड को या किसी को भी ये हमारी चैटिंग सेंड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।